अजी, I can speak English. अबे बता ना. It's just illusion. निपटा ले तू. मैं अपने खुद नहीं धोता ना, मेरा भाई रखा हुआ मैंने धोने के लिए. मगर respect. एक्टर किस बात कह रहे? अरे मेरे कबूतर की कैसे बोल दिया? अरे तुम करो ना अपना, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या? शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. शर्मा शो. आज की हमारी गेस्ट वो एक्ट्रेस हैं जो हमेशा चैलेंजिंग रोल्स करती रहती हैं और इनकी फिल्में थोड़ी हटके होती हैं. इस बार भी ये ऐसी ही एक अलग फिल्म के लिए यहां पे आ रही हैं. जोरदार ताली से स्वागत कीजिए सोहा अली खान का. How are you, Soha? आदाब, hello. आदाब, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ. Soha, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है. Thank you very much. इससे पहले कि मैं आपसे कुछ और पूछूं, Soha, would you like to have some poha? पाजी, आप कुछ करना चाहेंगे? आप कुछ, I mean. तू पहले पोहा खिला ले, मैं फिर नहीं, मैं पाजी, हमारे गेस्ट आए, फिर लोग हमें पूछते कि हम खाने पीने को नहीं पूछते. आप कुछ खाली पेट शेयर करना चाहेंगे? नजर उठे तो सुबह और झुके तो शाम हो जाती है. इन जुल्फों में बह के हवाएं खो जाती हैं. आपकी अदा ये जलवा और रूप की मस्ती, इन्हें देर तक देखने से डायबिटीज हाई हो जाती है. पारी सोहा, एक फिल्म आ रही है 31 अक्टूबर. सोहा, ये किस प्रकार की फिल्म है ये और आप क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें? एक सच्ची कहानी है. शायद आपको पता है 31 अक्टूबर 1984 में क्या हुआ. दिल्ली की कहानी है जी. छोटी सी फैमिली की कहानी है. ओके. क्या बीतती है एक सिख परिवार पर इंदिरा गांधी के हत्या के बाद. लेकिन हम आपको इस फिल्म में ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे हिंदू और मुस्लिम लोगों ने अपने जान को खतरे में डाल के अपने सिख भाई बहनों की जान बचाई. सो इट्स वन लवली पॉजिटिव स्टोरी. आइए सोहा, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए. आप हमारे नए घर में पहली बार आई हैं. You like my new home, Soha? It's very beautiful. You like the interior? I like the interior. Very, it's very beautiful. We spent a lot, more than 20,000. We know exactly how much you spent. Don't are you, we all? It's a sarcastic comment. It's a सच्ची सच्ची बात कर रहे हम. सोहा ने फिल्म में माँ का किरदार निभा लिया. अब ये बहुत जल्द भूआ भी बनने वाली हैं. करेक्ट. आपको कांग्रेचुलेशन. थैंक यू. बहुत बहुत बधाई. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो डू यू हैव एनी आइडिया सैफ मामा कब बन रहे? नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया. ओके, बट आई विल बी द फर्स्ट टू टेल यू. ओके, थैंक यू सोहा. भाजी, आपने सोने पे सुहागा सुना होगा. हाँ. आज आपको मैं सोहा पे सुहागा दिखाता हूँ. शेर पे सवा शेर. हाँ, बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं एक और खूबसूरत एक्ट्रेस. आई रियली लाइक हर वेरी मच. सोहा की बड़ी अच्छी फ्रेंड भी हैं. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल नेहा धूपिया. नेहा, मैं आपकी एंट्री पे 25 मिनट नाचा, वो आपने देखा नहीं, सीधा जाके सिद्धू भाजी को गले लग रही हैं आप. व्हाट इज दिस? व्हाई इज दिस रेसिज्म? आप 25 मिनट नहीं नाचे. पता है उनका और मेरा कितना पुराना रिश्ता है? बिल्कुल. अच्छा, कैसे? मेरे बिल्कुल. सबसे बड़े भाई हैं वो. बिल्कुल. आई लाइक योर एटीट्यूड. आई लाइक
देखो, I like this girl. नहीं पर मैंने कहा I like. नहीं नहीं नहीं. मैंने कहा I like. ये मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा. अच्छा. क्योंकि मैं वाकई उसको वो मानता हूँ. बड़े चलाक हैं. रिश्ते का नाम नहीं लिया करते, वो मानता हूँ. मतलब वो कुछ भी समझे, मैं तो वो ही मानता हूँ. बड़े चलाक हैं भाजी आप. अच्छा, मुंबई जैसे शहर में जहाँ लोगों को प्रॉपर धूप नहीं मिलती, विटामिन डी की कमी रहती है, नेहा के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि इनका सरनेम ही धूपिया. सॉरी, वैसे मैं ऐसे जोक्स बोलता नहीं, पर मुझे आपको देख के बड़ा मजा आया. मेरे को बहुत पसंद आई आप. ये सबको बोल देते हैं. अभी मैं बैकस्टेज थी, आपने सोहा को भी यही बोला है. सोहा इज लाइक, आई मीन शी इज जस्ट माय अनदर गर्लफ्रेंड. आई मीन आई बेग योर पार्डन, शी इज लाइक फ्रेंड. एक्सक्यूज मी. ओह, आई मीन मैं कुणाल को बहुत अच्छी तरह जानती हूं. ही विल नॉट अप्रिशिएट दिस टॉक. देखो, कुणाल ने तो अपना खेमा जमा लिया. नेहा हमारे शो में पहली बार आई है. जी नेहा, थैंक यू एंड लव यू टू. मैं फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 13 सालों से हूं. जी, माय पेरेंट्स हैव नेवर फेल्ट मोर प्राउड ऑफ मी. कभी उन्होंने फोन नहीं किया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, कुछ भी, बट मम्मी पापा यू शुड बी प्राउड ऑफ मी. आज फाइनली आई हैव मेड इट टू योर शो कपिल. सो स्वीट, थैंक यू नेहा. टू ब्यूटीफुल रिच पीपल. मैं हमेशा चाहती थी कि आप दोनों मिले. मेरी तो शादी हो गई है, एंड स्पेशली क्योंकि हाल ही में पता चला कि आपके पास बहुत पैसे हैं. आई हैव नो आइडिया, बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. If you weren't married, or अगर आप single होते, you think Kapil had a chance with me? Absolutely. Absolutely. I like that. Yes. I like your sense of humor. Yes. I tell what. नेहा बहुत ही मजेदार एक शो लेके आ रही हैं, जिसका नाम है नो फिल्टर. आपको फिल्टर करके कुछ नहीं बोलना है, जो आपके मन में है, जो सच है, वो बाहर लेके आओ. ये तो जिनके साथ आपने शूट किया है, I mean दोस्तों के राज छुपाते हैं ना, ये तो खोल के ला रही हैं सबके सामने कच्चे जिठे. तो आपकी दोस्ती उनके साथ वैसी है जिनके साथ आप शूट कर चुकी हैं? नो फिल्टर नेहा एक ऐसा शो है जो अभी सिर्फ करण जौहर और सोनम कपूर का एपिसोड एयर हुआ है. ओके. और बातचीत अभी भी चल रही है, सो इट्स फाइन. सोहा, जैसे आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो आप इनसे सारी बातें शेयर करते हैं कि आप भी फिल्टर करके? नहीं नहीं, हम सारी बातें शेयर करते हैं. शायद सोहा को मेरी कुछ बातें पसंद ना हो. अच्छा. पर उनको सब कुछ मालूम है मेरे बारे में. आई लव अबाउट नेहा कि व्हाटएवर शी फील्स वो साफ साफ मुंह पे कह देती हैं, जो बहुत कम लोग करते हैं, whether it's good or bad. I'm so proud of you. She's मुफ्त. What I love about Soha is कि अगर किसी ने गलती से भी गलत अंग्रेजी में कुछ बता बोल दिया सोहा के आगे, चाहे तुम सोहा को जानते हो या नहीं, वो जाके तुम्हें करेक्ट करेगी. इस शो पे कभी होगा नहीं, बिकॉज वी आर फिर करेक्ट करना होता है. इस शो पे तो करेक्शन ही होती रहेगी बस. वही तो, करेक्ट वहां पे करो जहां पे लगे कि दो तीन गलतियां हैं. बोल के दिखाना, थोड़ी बोल के दिखाना जरा. हाँ बोल दो, खुल के बोलो. I can speak English. Oh, but bata na. It's just illusion between you and me that I can't speak English. Man, I'm very good, but... Okay. 1 minute, so are you. No, I will not make fun of myself just because, you know, I just want to make fun. Tune bas illusion. That's why I speak wrong English. Haan, tune... Otherwise, you losers, I can speak very well. Was I right? Yeah, but ye hai teacher, ye English ki teacher hai, main. Listen to the principal. Whatever the school is. I beg to say that I can't come to school, kindly grant me leave for one day. Am I wrong? I mean, ye to kuch logon ne phaen udai hui hai. Sir, ye principal se kyun le rahe hain aap permission? Class teacher se hi le lijiye. Jo 20 saal se yaad ki wo bolu na. नेहा की एक फिल्म आ रही पाजी, मोह माया और मनी. अच्छा पाजी, मैं ये सवाल आपसे भी है, आपसे भी. हाँ. आपका भी मैं उसके ऊपर राय जानना चाहूंगा. मोह माया और मनी, मोह हो गया आपका किसी के लिए प्यार या अटैचमेंट? अटैचमेंट, अटैचमेंट. तो लड़कियों को कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है, मोह करता है कि माया करती है? आई मीन प्यार या पैसा? डेफिनेटली प्यार. वेरी नाइस आंसर जी मैम. आप
काफी ऐसा भी ना एंजॉय कैसे होगा मैडम? हाँ, तो दो दिन चार दिन चांदनी फिर अंधेरी रात तो बात करो कुछ नहीं। तो आज पहली बार नेशनल टेलीविजन पे हुस्न और तजर्बा आइए। पैसा सब कुछ पैसा है, पैसा बिना जिंदगी तमाम है। इधर भी एक मोहतरमा है जो अपने विचार पेश करना चाहती है। हाँ जी, आपने लगता है अभी लिपस्टिक लगाई है। आधा घंटे पहले लगाई थी, अभी तक चल रही है। मैं मैम को ये बोलना चाहती हूँ कि बुजुर्ग के हिसाब से वो होगा। अरे मेरे को बुजुर्ग की कैसे बोल दिया? कैसे बोल दिया बताइए, नेशन वांट्स टू नो। बुजुर्ग के लिए रिस्पेक्ट होता है ना। आपने आधा घंटा पहले लिपस्टिक लगा ली तो उनकी यहाँ क्या उतर गई लिपस्टिक? कोई मतलब बुजुर्ग हो गई, क्या मतलब है? तो आपका नाम क्या है सेनेटा? मैं साक्षी शर्मा हूँ दिल्ली से। अच्छा, फिर बुजुर्गों के बारे में क्या फरमा रहे हो आप बताओ? मैं अपनी तरफ से पूरे यंग जनरेशन के लिए बोलना चाहती हूँ कि जो हम अट्रैक्ट होते हैं वो प्यार है, ना कि पैसा। क्योंकि अगर हम अपने लाइफ पार्टनर को मोटिवेट करेंगे वो पैसा कमा लेगा। पैसा तो कभी ना कभी जिंदगी में आना ही है। पर कई बड़े आलसी होते हैं। हाँ जी, लाइन में आ गई। देखो गरीब तो कोई पैसा चाहिए। और आंटी जी, आंटी जी मैं खत्म करता हूँ आपको। सिद्धू जी ने आंटी जी का इससे क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा अच्छा, खूबसूरत मोहतरमा। थैंक यू सर। मैं जवाब देता हूँ, देखो दीजिए, तिजोरी से पैसे निकालो कम होते, पूल में से पानी निकालो कम होता है, लेकिन दो चीजें बांटने से बढ़ती हैं, एक ज्ञान और दूसरा प्यार। क्या बात है, जवाब दिया कि नहीं दिया? दिया। और मेरा मानना भी यही है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को मोटिवेट करेंगे वो पैसा कमा लेगा। हाँ। हम कम पैसे में भी सूखी रोटी खा के भी खुश रहेंगे। मेरा क्या है? मैं तो नमक के साथ सूखी रोटी के साथ भी गुजारा कर लूंगा। हाँ, मैं खा लेती हूँ सूखी रोटी। तुम पर शाम को घुमाने नहीं ले जाएंगे, तुम्हारा क्या होगा? सुबह घुमाने नहीं जा रहे हो? हम बोल दिया चार दिन का है, प्यार व्यार और कुछ नहीं है। अभी बुजुर्ग बोला ना तो डांस करके दिखा। इसका मतलब नहीं जमाने। ओहो, आ जाओ फिर, आज तो फिर ओके। ये इसका जो डिसीजन है वो ऑडियंस देंगी कि कौन विनर रहा। इनकी नजरों में इन्होंने उनको बुजुर्ग कहा तो उन्होंने उनको ओपन चैलेंज दिया, तो बहुत अच्छा किया। आई लाइक दिस स्पिरिट मैम। लाइफ की ना गारंटी वेंटी होके थोड़ा सेंटी वेंटी, अरे लाइफ की ना गारंटी वेंटी होके थोड़ा सेंटी वेंटी, हंस ले तू मेरे यारा तो सारे बोलो एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक तो नच ले एक दो एक, एक दो एक तो नच ले एक दो एक, एक दो एक तो नच ले एक दो एक, एक दो एक तो नच ले एक दो एक। आजा दिलदारा तू है मेरा सहारा, तुझे दिल में रख लूं तू जान से भी प्यारा, हो ऐसा देख के नजारा। बहुत प्यारी है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो देख, सो स्वीट, थैंक यू। कहाँ से आए आप? नेपाल से। नेपाल से आपका सो देख जी। नेपाल से आए पूरा परिवार। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप बहुत प्यारी हैं आप। तो विनर कौन है फिर आपकी नजर में? आपके लिए एक एक बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट है मेरे पास, एक थैंक यू साक्षी। नेहा, सोहा, ये बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट है, हम हमेशा अपने गेस्ट को देते हैं जो हमें बहुत एंटरटेन करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। बाय, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। आज तो नेपाल छा गया पूरा।
अच्छा सोहा, आपकी शादी हो चुकी है, अक्सर सहेलियों की जब शादी हो जाती है तो सहेलियां अपनी फ्रेंड्स को बोलती हैं, तो नेहा कभी सोहा ने आपको ऐसे बोला नहीं कि नेहा आप भी शादी कर लो? बहुत बार. एक्चुअली लड़के, अच्छे लड़के कम मिलते हैं. आई हैव लॉट्स ऑफ रियली ब्यूटीफुल सिंगल वुमेन हु आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स, लेकिन देयर नो मेन. देयर आर द गुड मेन. कपिल कहां पे अच्छे लड़के? देयर आर द गुड मेन. आसपास ही 4-5 फीट की दूरी पर ही हैं आप. आपको वैसे कैसा लड़का पसंद है? मतलब आई मीन आप जैसा, जितना मतलब जितना टैक्स आप देते हैं. अभी आपने कहा मोह, अभी फिर माया आ गई. नहीं नहीं, तो मनी की बात कर रही हूं, अपनी फिल्म को तो प्रमोट करूं मैं. आप मुझे एक बार हाँ करो, मैं सारा दिन यही बोलता रहूंगा, मोह माया और मनी, मोह माया और मनी. नेहा मैं आपके साथ आपके वाला शो खेलूं, नो फिल्टर? हाँ जरूर खेलो. नेहा इन्होंने कभी किसी होटल से बॉडी लोशन या कोई क्रीम ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री अपने पर्स में डाली है? मतलब ऐसा कोई होटल नहीं है जहां से सोहा ने साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी लोशन चोरी नहीं किया. सही जवाब. वेरी ऑनेस्ट सर. सच सच बताना, कभी नेहा ने ऐसी कोई ड्रेस खरीदी हो? मेरे पीछे क्यों पड़ गया? ऐसे पूछ रहा हूँ. मेरा ड्रेस खरीदती नहीं है. सब बोरो करती है क्योंकि स्टाइलिस्ट देते हैं. हम आप थोड़ी ना अपने ड्रेस पहनते हैं. हम सिर्फ पजामे जो हैं जो हम खरीदते हैं जी, पर बाकी सब हम बोरो करते हैं और फिर वापस कर देते हैं अगले दिन. ये भी आप शो जल्दी खत्म कर दो क्योंकि हमें ये आधे घंटे में वापस करने का. ये ना यहीं पर प्रॉब्लम हो जाए. तो ऐसे कैसे, मतलब आधे घंटे में तो यहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे. शो तो फिर शुरू होगा. नहीं, हमें जाना पड़ेगा यहाँ से. What a beautiful day. Hi, Soha. Hi. This is Dr.Mashoor Gulati. Nice to meet you. आराम से क्या हो गया? आराम से बैठिए, इधर बैठिए ना आप. थोड़ा सा ज्यादा देते तो मैं ऊपर गिरता, थप्पड़ पड़ता मेरे को. अरे बैठिए आराम से, कोई चांस नहीं छेड़ दे. आराम से बैठिए. हाय नेहा. हाय डॉक्टर मिश्र गुलाटी. BHLMG. BHLMG मतलब बचना है सीनो लो में आ गया. सॉरी सॉरी सॉरी. बैठिए 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 डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए सजा रहा था डॉक्टर साहब. बैठिए. ऐसे कौन सा जाता है भाई? मैं सजाता हूँ. आइए. हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? BHLMG मतलब क्या होता है? बचना है सीनो लो में आ गया. एक मिनट डॉक्टर साहब. है कुछ जी? हाँ जुए हैं आप 3-4. हेलो बोलो उनको अपना. डॉक्टर साहब आप इतना वैसे कितना रेंट लेते हैं उनसे? मैंने फिर सोशल सर्विस. बेचारी क्या देंगी, थोड़ा सा लव पीती है मेरा. मैं भी तो कितना पीता हूँ लवों का. एक बात बताइए, आप आके नेहा के साथ सोहा के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? इनकी उम्र की आपकी बेटी है. इस बात की मुझे कोई शर्म नहीं कि वो इनकी उम्र की है. मुझे इस बात की शर्म है कि वो इनके जैसी ब्यूटीफुल नहीं है. तो आपकी बेटी कहाँ से होगी खूबसूरत? बाप का मुंह वॉश बेसिन जैसा है. बेटी भी तो फिर वैसी होगी ना फिर. डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी टॉक टू माय गर्लफ्रेंड्स. डॉक्टर साहब आपकी गर्लफ्रेंड कैसे हो गई है? नहीं है तो हो जाएंगे. आदमी की जेब में पैसा होना तो पैसा बहुत कुछ करा देता है. पर एक बात सुनिए, आपका मेन्यू जो है डिनर मेन्यू, हाँ जी, वो तो लंगर वाले डिसाइड करते हैं कि क्या बनेगा. तो आपके पास पैसे मतलब कहाँ से आ गए? उनके पास पैसे, मेरे पास कब है? मैंने कब कहा मेरे पास पैसे हैं यार? तो फिर मेरे पास तो एक बम्पर ऑफर है. ये ऑफर सुनते आप एकदम हतप्रभ ना रह जाना. हतप्रभ मतलब शॉक. मतलब मेरे को भी नहीं पता मैं बोल बैठा यार. आपको दोनों को मैं एज ए डॉक्टर अपनी नर्स की जॉब ऑफर करता हूँ. नो नीड टू से थैंक यू. मुझे मालूम है आजकल जॉब की बहुत कमी है, लोग मारे मारे फिरते हैं, बट मैं सोशल सर्विस, एज आई सेड, मैं नहीं. पहली बार आपने ऑफर दिया. नो थैंक यू. नो भाई मान लो, अब कपू शर्मा मैंने अब दे दिया तो दे दिया. अभी मेरे को गले लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा कुछ काम नहीं करना. एक मिनट,
आपको पता है आप जितना महीने भर में कमाते ना, हाँ जी, उतने का एक टाइम में नाश्ता कर जाती हैं वो। इतना क्यों खाती है यार? इतना क्यों नहीं खाती, महंगा खाती है, बदतमीज। और आपके हॉस्पिटल में है तो सही 3 के बराबर एक नर्स। Oh, you're talking about bumper? Yes. मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया, इसलिए तो बम्पर ऑफर दे रहा हूँ। पर क्यों निकाला? I just fired her. She's not looking happy. हाँ चाप मेरे हाथों से नहीं बचेंगी। बम्पर तुझे क्या हुआ, तेरे बाल पंखे में आ गए? इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए। डॉक्टर साहब, अगर आपको मुझे नौकरी से निकालना था तो मुझसे कह देते कि मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ, इस तरह आग लगाने की क्या जरूरत थी? इंग्लिश, इंग्लिश की प्रॉब्लम है। आई हैड टू फायर यू ना, तो आई फायर्ड यू, तो इसलिए आग लगाई मैंने। एंड प्लीज यहाँ से गो, आई एम टॉकिंग टू माई नर्सिस, मैं अपनी नर्सिस से बात कर रहा हूँ। ओह हाय 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 सोहा अली खान पटौदी खेमू। लगता है आपसे बाकी की बातें कल करनी पड़ेंगी, मैं तो नाम लेते लेते ही थक गई। और आप है डार्लिंग? हाँ बम्पर, माय नेम इज बम्पर। डार्लिंग मैं चाहती हूँ लोग मुझे बुलाएं, लेकिन बुलाते नहीं हैं इनके टाइप के लोग। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, एक बार ना एक जाहिल इंसान से मुझे जरा हिसाब किताब चुकता करना है, फिर हम बातें करते हैं। ओके, जरूर जरूर। तो डॉक्टर साहब, आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे नौकरी से क्यों निकाला? जब मैंने तुम्हें नौकरी में डाला था तब तक तुमने पूछा नहीं भी क्यों डाला। मैंने निकाला तो कुछ लिया, क्यों निकाला है? एंड प्लीज अब मुझे मेरी दोनों नर्सेज मिल गई हैं, लेट मी टॉक टू देम। मिल गई हैं? अच्छा, आपको नर्सें मिल गई हैं? यस। पेशेंट के हाथ की नस नहीं मिलती, आपको दो दो नर्सी मिल गई हैं। मेरे को आप बता सकते हैं कि इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? गर्दन। डॉक्टर साहब प्लीज जरा मुझे बताइए, इन दोनों में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? ऐसी नर्सें होंगी ना, फिट लोग भी इंजेक्शन लगवाने आएंगे। ये आपका भ्रम है। हम गाइस ब्रह्म में जीते जा रहे हैं। सब ब्रह्म में ड्रम जैसा लगता है ना? यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, हम इन्हीं से पता नहीं, नहीं खड़े हुए हैं, खड़े हुए बैठे हैं लोग। ये कितनी ऑब्वियस बात कर लिया यार, लोग बैठे हैं। अपने देख पहले। यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी, क्या आप नेहा और सोहा से इंजेक्शन लगवाना चाहेंगे? देखा? रुक जाइए, बड़ा जोश आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर बम्पर से कौन कौन इंजेक्शन लगवाना चाहता है? कोई नहीं, कोई नहीं। एक मिनट, आपने भी हाथ उठाया था? नहीं, मैंने देखा आपका हाथ थोड़ा सा ऐसे साइड से जरा सा ऐसे ऊपर गया था। नहीं, मैंने देखा था आपका हाथ। यहाँ आइए। ऐसा कौन इंजेक्शन लगाते? रुक जाइए। नर्वस हो जाती है ना, मुझे विटामिन की जरूरत पड़ती है थोड़ी। अब काम का घबरा रहे हैं, इंजेक्शन है कुछ नहीं है? मुझे कुछ नहीं हुआ। चलिए ठीक है, देखिए लोड हो गया तो इंजेक्शन तो लगना पड़ेगा। तो सिद्धू जी, नहीं मैं तो खाली आपसे परमिशन ले रही हूँ, मैं जरा कप्पू शर्मा को लगा दूं इंजेक्शन। लगाओ। ए, मेरी बात सुन ले। कुछ नहीं, कुछ जरा सा इंजेक्शन है, चल ले। एक मिनट,
ये मत सोचिए मेरे पास और नहीं है। मैंने तेरा बम्पर तेरा धनुष तोड़ दिया। देखिए इंजेक्शन तो मैं आपको लगा कर रहूंगी। बम्पर डॉक्टर साहब ये बदतमीज को भगाइए आप यहाँ से। डॉक्टर साहब आपकी नर्स आई है, ये सारी आपके इधर है, क्या हो क्या रहा है ये? चलिए ए बम्पर सुनो मेरे थैंक यू। मेरा जो काम करना था मेरा तो हो गया। इंजेक्शन आपको लग चुका है, असर आपको 3 घंटे बाद पता चलेगा। आपको बीच में बैठने के लिए किसने बोला? तुम लोग लगे हुए थे तो मैंने कहा इनका मैं थोड़ा सा लग जाऊं साथ में। And yeah, nice meeting you. Nice to meet you. Nice meeting nice you. To meet you. Please call me back. Absolutely. Yes. नेहा सोहा हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank बहुत मजा आया। एक बार नेहा सोहा के लिए जोरदार तालियां। आप आई सोहा हमेशा जब भी आती हैं बहुत मजा आता है और आप तो आती रहा करें। तो बात पक्की? आप बताओ। हाँ फिर। वो आती रहेंगी हम मिलते रहेंगे। सोहा नेहा आपके साथ एक सेल्फी हो जाए प्लीज। आइए जरा आइए नेहा आप लोग। थैंक यू नेहा, थैंक यू सोहा, एंड ऑल द बेस्ट ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलो थैंक यू। अब वक्त है यहाँ पे कुछ ऐसे खास मेहमानों को यहाँ पे इनवाइट करने का। पाजी ये ऐसे कलाकार हैं, ये फिल्मों में जो भी किरदार निभाते हैं बेसिकली उसमें ढल जाते हैं और आपके दिल पे ऐसी छाप छोड़ के जाते हैं कि आप सालों साल तक उनको भूल नहीं सकते। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा द वेरी टैलेंटेड एक्टर्स मिस्टर विजय राज, मिस्टर के मेनन एंड मिस्टर मनोज वाजपेयी। घुमाए तक दिन 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 न जाए, हाय 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 रे पैसा नहीं कोई उसके जैसा, पड़ जाए जिसके पल्ले आहू आहू बल्ले बल्ले। रुपया रोकड़ा हो गांधी डॉलर या पाउंड, इसके भक्तों को लगे सुदेंगे से पासा। मनोज सर, के सर, विजय भाई, आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। ठहरो सर, ठहरो ठहरो ठहरो। रग रग में अभिनय जिनके, इन्हें कलाकार कहते हैं। हीरे की तरह वो सदा ही चमकते रहते हैं। यारो ये वो दमदार सितारे हैं रंगमंच के, जो 100 के रिचार्ज में 1000 का टॉक टाइम देते हैं। क्या बात है। आइए सर प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सर। मनोज सर, के सर, विजय भाई, आप सबको एक फिल्म में दिखाई देंगे जिसका नाम है 7 उचक्के। तो सर 3 तो हो गए, बाकी 4 किधर है? तो गाने भेजे हुए। हाँ, आप काम में लगे हुए। अच्छा, 7 एक्टर, ये बड़ा फायदा है, एक ही टाइम पे 4 जगह पे प्रमोशन हो रही होगी। अच्छा विजय भाई, के सर, मनोज सर को इसमें हीरोइन मिली है, आप दोनों को दुआएं और प्यार या लोगों का। आपने मिलके कोई अपने प्रोटेस्ट नहीं किया कि हमें भी? नहीं, मैंने कहा कि चल ठीक है, निपटा ले तू। हम बाद में देख लेंगे। अच्छा मनोज सर की मैंने एक बात देखी, बड़ी मजेदार है। अच्छा, जब सलमान भाई, शाहरुख भाई ये सब रोमांस करते हैं तो स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, पोलैंड, जितनी भी सेक्सी लैंड है वहां पे आपका जो भी रोमांस होता है बड़ा देसी तरीके का, साधारण सच्चा सा होता है। कभी तालाब में घुसे हुए हैं, कभी गली में रोमांस कर रहे हैं, कभी भैंसों के तबेले में। सर आपने कभी डिमांड नहीं की डायरेक्टर से मुझे एफिल टावर पे चढ़ा के कराओ? जो कभी नहीं आपने बोला दिल से कि आप खाली रोमांस सुन के एक्साइटेड हो जाते हो कि यस? एक बार कोशिश की थी, मैंने कहा यार अमेरिका ले चलो यार, क्या यार मुझे हमेशा जो है बिहार लेके चले जाते हो, यूपी लेके चले जाते। तो उसने कहा सर वो जगह सिर्फ शाहरुख के लिए बुक किया हमने। अच्छा, आपके लिए ना ये गलियां चौबारे हैं सही है। एक स्टेज के बाद रोमांस में जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतना दावे के साथ कहते हैं। मैं तुम्हें
एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ. अच्छा सर एक बात बताइए, एक्चुअली मैं बहुत बार ये जानने की कोशिश करता हूँ, जब दो तीन लड़कियों के बीच में कोई फिल्म बन रही हो, उनकी छोटी छोटी चीजों को लेके प्रॉब्लम हो जाती है कि इसकी ड्रेस मेरी ड्रेस से छोटी क्यों, या मेरा एक गाना इसके दो क्यों. आदमियों में किस चीज की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या होती हैं? क्या है कि हम लोग रोल भी ऐसे करते हैं ना भूखे नंगों की. तो हमारी ये होती है इसकी धोती मेरी चड्डी क्यों. मतलब इसकी धोती में दो, मेरी मेरी में तीन छेद क्यों. सर आप तीनों को एक्टिंग के अलावा और कौन कौन से शौक है? मैं अभी जैसे आपसे शुरू करना चाहता हूँ. यही है अभी फिलहाल. फिलहाल एक्टिंग है बस. तो जब आप शूट नहीं कर रहे होते तब क्या करते हैं फिर? तब मैं कुछ नहीं कर रहा होता. कुछ तो कर रहे होंगे. I mean, और नहीं तो बैठे बैठे ऐसे ही कर, आदमी कुछ तो करता है. हाँ 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 ये सब तो चलता रहता. अच्छा, है करोड़ बदल ली. अच्छा लेट गए, उठ गए, बैठ गए. अच्छा फिर लगा कि चलो नहा लेते हैं. नहा लिए तो थक गए, चलो खाना खा लेते हैं. खाना खा लिया. अच्छा बाजी अक्सर फिल्मों में देखा गया है, जैसे मैं बच्चन साहब का एग्जाम्पल लूँ, उनका नाम है अमिताभ बच्चन, फिल्मों में उनका नाम विजय बहुत बार रखा गया. इनका नाम विजय, फिल्मों में इनको अजीब अजीब नाम मिलते हैं. मॉनसून वेडिंग में इनका नाम था पीके दुबे. हैं फिर भोपाल एक्सप्रेस में देसू. अभी डिशू माई उसमें खबरी चाचा. नहीं पर सर आप ना इतना थोड़ा अरसा आए हैं, आप सबका मन मोह लिया आपने, क्योंकि आपके अंदर छल कपट तो लग ही नहीं रहा. जो अंदर है वही बाहर है, जो मन में है वही जबान है. ये मैं बात बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है. तो मतलब हम ये समझे कि मनोज सर और केके सर छल कपटी हैं? नहीं ऐसा नहीं. अच्छा विजय भाई के तो फिल्मों में नाम अजीब अजीब होते हैं, केके सर की फिल्मों के नाम अजीब होते हैं. क्या अब इनकी फिल्मों के नाम दे लो, संकट सिटी, बैनी और बबलू, 40-84, भिंडी बाजार. सर आप सीरियसली स्क्रिप्ट भी सुनते हो कि खाली कोई अतरंगा नाम ले ले तो आपको मजा आ जाता है? जैसे मैं ऐसे बोल दूं कि डूडू का गडरिया एक बड़ी अच्छी. अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया है. तो वैसे केके सर का नाम जो है ये भी अपने आप में बड़ा मजेदार है. केके मैंने सिर्फ केके नहीं, केके भी KAY KAY है. सर मैं 100% कह सकता हूँ ये नाम फैमिली की तरफ से तो रखा नहीं गया. जितना आपको शौक है जीत नाम का, ये आप वो चाइनीज नाम है, उसका मतलब है मतलब जीत, मतलब विजय है. अच्छा मतलब आप भी घूम फिर के हैं विजय? हाँ बिल्कुल, भले ही चाइना की तरफ से आए. हाँ एकदम. अच्छा मनोज सर की फिल्म गैंग सो वासेपुर किस किसने देखी है? ओके मैं एडिट में सारे हाथ खड़े करवा दूंगा सर. मनोज सर की फिल्म थी मनोज सर की फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर. उसमें रोमांस एकदम देसी था, बिल्कुल बड़ा कच्चा मजेदार. लेकिन उसमें गाना था सर एक इंग्लिश, आई एम ए हंटर. जी अगर आपको आपका डायलॉग कोई इंग्लिश में बोलना पड़ जाए कैसे बोलेंगे आपके? हम आपको इतनी गोलियां मारते कि आपका ड्राइवर भी उसके खोके बेच बेच के रईस बन जाता. जी इसको इंग्लिश में आप बोलना पसंद करेंगे? आई शूट यू सो मच इवन योर ड्राइवर बिकम रिच आफ्टर सेलिंग द बुलेट्स. क्या बात है, मतलब बताइए वहाँ हिंदी में मारी थी अंग्रेजी में मारी है. क्या बात है यार. विजय भाई आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी काफी. हाँ, अरे मतलब आप लपेट लपेट के जो मतलब. मैं आपको डाला दूं कि जब तुम सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगा के निकलती हो माँ कसम एम्बुलेंस लगती हो. व्हेन यू वियर व्हाइट विद रेड. व्हाट रेड व्हाट व्हाइट? मदर रेस्पेक्ट. You look beautiful. आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिल गई इधर. बताओ यार. हालांकि मुझे समझ में नहीं आया था जो मैंने बोला है, लेकिन फीलिंग सर थॉट समझते हैं बस. देखा मैंने बोला ना कोई झिझक नहीं है, कोई डर नहीं है. इनके दमदार आवाज में आप सबको डायलॉग तो अच्छे लगते हैं.
सात उचक्के में ये गाना गाते हुए भी नजर आ रहे हैं. मैं कब ऐसे ही सर गा दो. आप कौन सा इंडियन आइडल में बैठे हो? अरे बहुत बढ़िया. हाँ सही है. बाकी आप जोड़ लेना जो भी आगे. मनोज सर ने करीब 15-16 साल तक स्ट्रगल किया. आज ये फिल्मों में किसी जान पहचान के मोहताज नहीं इस इंडस्ट्री में, इस देश में. सर जब आप फिल्मों में हिट होने के बाद अपने गांव गए वापस, यार दोस्तों आपके भी ऐसे ही अपने देसी टाइप ही हैं. हाँ. उन्होंने पूछा नहीं किसी ने कि माधुरी कैसे दिखती है बगल से, ऐसे कटरीना कैसी लगती है, किसी ने पूछा? मैं गया था रवीना के साथ शूटिंग कर रहा था शूल की. अच्छा. अपने शहर के स्टेशन पे. अच्छा हाँ वहीं पे कर रहे थे ना. तो जहाँ पे ठहरा हुआ था जी, वहाँ पे सारे लौंडे आए और सब ने आगे कहा, अबे सुन ए रवीनवा से मिलवाएगा नहीं तू? तो फिर आपने मिलवाया उनसे? नहीं मैंने कहा देखो यार वहाँ पे नो सिक्योरिटी वगैरह रहता है तो यार दिक्कत है वहाँ पे. साला पुतिया एक्टर किस बात कह रहे? तू हीरो है, वो हीरोइन है. हीरो बोलेगा कि हमसे मिलवाओ, साला मिलेगी नहीं. तो फिर मिलवाया हमने. करेक्ट है यार लॉजिक. लॉजिक तो उन्होंने सही दिया. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने सबको मना किया, अपने फैमिली को ही बोला कि आप लोग कोई मत आइएगा क्योंकि पता नहीं यार वहाँ पे सिक्योरिटी वाले किसके साथ बदतमीजी कर दे, अच्छा नहीं लगता यार मेरे दोस्त मेरे फैमिली वालों के साथ. और मैं शूटिंग में बिजी रहूँगा तो मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगा, बाद में मुझे गिल्ट होगा कि यार मेरे लोगों के साथ ऐसा कुछ हो गया. अचानक मैंने भीड़ में अपने पिताजी को देखा. अब मैं उनको इसे देख रहा हूं. मैं तुमने कहा आप कहाँ हैं बाबूजी? आप जाइए बाबूजी. अरे तुम करो ना अपना, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या? के सर ने एक फिल्म की थी हनीमून ट्रेवल, उसमें ये इतना शर्माते कि शर्म के मारे हनीमून भी मना के नहीं आते. सर रियल लाइफ में भी आप इतने शर्मीले हैं? जो पिक्चर में होता है ना वो असली में नहीं होता है. रियल लाइफ में और रियल लाइफ में फर्क तो है. जैसा उन्होंने कहा आम आदमी जब आप एक्टर बतौर एक्टर जब आप फिल्म में काम करते हैं हीरोइन को बेधड़क रोमांस करते हैं आप खुल जाते हैं. पब्लिक में आदमी अपनी वाइफ से शायद इतना खुल के नहीं. आपने कभी ऐसे पब्लिक में अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के ऐसे कभी ऐसे किया? लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर आप मनाली जाओ कभी, है ना, मनाली जाओ या श्रीनगर जाओ ये सब हिल स्टेशन पे, तो आपको बड़े हनीमून कपल दिखाई देते हैं वहाँ पे. हाथों में हाथ पूरे. हाँ हाथों में हाथ और अचानक से ना वो उसको गोद में लेकर के ऐसे करके फोटो खिंचवाते हैं. और ऐसे ऐसे मैं बड़ी देखी ऐसे मनाली में जैसे मनोज भाई बोल रहे हैं ऐसे ऐसे लड़के अजीब जी फोटो खींचते हैं फोटो खींचते हैं लड़का लड़की कहीं को एक्सप्रेशन भी नहीं देने आते बेचारे. वो कौन सा एक्टर होते हैं वो रोमांटिक कप पोज बनाने को बोलता है फोटोग्राफर कुछ ऐसा करो तो ऐसे. कॉन्फिडेंस की बात होती है. अपनी बीवी को कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पकड़ते. इधर एक्टर लोग देखो दूसरे की बीवी को भी ऐसे पकड़ेंगे जैसे खुद की है. तो ये फर्क होता है. मनोज भाई के सर विजय भाई यहाँ पे आपके दर्शक जो हैं, यहाँ पर आपके जो फैंस हैं, वो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं. करिए करिए. कुछ फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं एक करके हाथ खड़ा कर सकते हैं. जी सबसे पहले ग्लैमर से शुरुआत कर रहे हैं. हेलो. हेलो सर. मनोज सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. थैंक यू. और मैं शाहरुख खान की भी बहुत बड़ी फैन हूँ. ओके. शाहरुख खान ने जैसे DDLG में काजोल के साथ रोमांटिक डांस किया है. हाँ. मैं वो आज आपके साथ करना चाहती हूँ. क्या बात है सर. मैं आपके लिए जैकेट भी लाई हूँ. अच्छा ठीक है ले जाओ. हाँ ओके.
ओके काफी है काफी है शुक्रिया मोहतरमा क्या नाम है आपका दीक्षा दीक्षा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए थैंक यू सो मच अच्छा ये अलग बात है कोई डायरेक्टर मनोज भाई से ऐसे डांस करवाता नहीं तो रोमांस यहां तक भरा पड़ा है तो मतलब पूरा आपने 200% दिया अपना वेरी गुड जी और कोई मेरे दोस्त जी मैडम हेलो कपिल सर हेलो जी मुझे भी कुछ कहना है मेरी भी फरमाइश है इसीलिए माइक दिया आपको बोलिए जैसे उस लड़की ने डांस किया मनोज सर के साथ मेरे को भी विजय सर के साथ करना है रोमांटिक अंदाज से आइए स्टेज पे आइए स्टेज पे क्या नाम है आपका महक राजपाल महक राजपाल राजपाल जी नहीं आए साथ में आए ना कहाँ है राजपाल जी कहाँ अच्छा आपने भी जैकेट लेके करना है राजपाल जी आओ ना यार ये मैं आपको ऐसे पहना देता हूँ सर आपके साथ करना नहीं नहीं मैं भी हूँ मैं तुम दोनों का डांस डायरेक्ट करूँगा मैं पुकारूं आपने ये जो घुमाया है तेज मैं क्या करूं मुझे लग रहा था रोमांस कर रहे हैं ऐसा लग रहा था आपको गुस्सा है अपनी हीरोइन पे मतलब मैं करूं क्या नहीं अच्छा कर रहे थे फोर्स ज्यादा डाल दिया आपने मुझे लग रहा लड़की की बाजू ना हाथ में आ रही है और कोई मेरे दोस्त जी भाई साहब मैं मनोज सर से थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जी मनोज सर हम बनारस से बानी हां और हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जब हम मुंबई आई थी हाँ। तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब गए वहाँ डांस करने की कोशिश की है लेकिन मेरे से वो हुआ नहीं मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था सर मेरे लिए भी बहुत मुश्किल काम है यार तो लेकिन अभी आप सर काफ़ी फ्लुएंट से डांस कर लेते हैं तो मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाँ। कि प्लीज़ एक मिनट के लिए हमारे साथ डांस कर लीजिए सर अरे आ जाओ यार आ जाओ और सर साथ में मेमन सर और विजय सर से भी रिक्वेस्ट है थोड़ी किस चीज की वही 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 उन्होंने लड़की के साथ इतना बेदर्दी से डांस किया आपका क्या करेंगे वो हाँ मतलब देख लो टेक वन सर टेक वन ओके सो आई टेक वन सर यू आल्सो यू टेक टू यू टेक थ्री सर टेक वन जवानी रू की रानी कोई कहानी हूँ मैं ओ छुड़ा दो जादू चला
शुक्रिया. बहुत बहुत थैंक्स आप. ला 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 हाई ला ला लगावा लगावा और जावा. धन्यवाद धन्यवाद. शुक्रिया अतुल जी. मनोज भाई के सर. विजय भाई मुझे सिटी केबल के एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करना होता है. आप आए हैं तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लेते हो. बिल्कुल जी. फटाफट सेटअप लगाइए लेके आइए. सब बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे सिटी केबल के प्रोग्राम बाल की खाल में. और हमारे साथ इस बहस में मौजूद है मुंबई से मशहूर उचक के बेहतरीन एक्टर वसईपुर से श्री मनोज वाजपेयी साहब. नमस्कार जी. 4084 से श्री के मैनन जी. और रन से श्री विजय राज जी. और सोसाइटी के बदनाम उचक्के श्री मशहूर गुलाटी जी. और श्रीनगर बम्पर. श्रीनगर मतलब? श्रीनगर मतलब. तो जोरदार तालियां प्लीज. एक मिनट. आपने कहा कि बेहतरीन एक्टर मनोज वाजपेयी वासेपुर जी के बारे में. मैंने उनको कभी एक्टिंग करते देखा ही नहीं. ये क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? आपने इन्हें नहीं देखा? नहीं. अरे गैंग्स ऑफ वसीपुर फिल्म में वो एक औरत को कपड़े धोते हुए ऐसे घूरते हैं, ऐसे घूरते हैं, ऐसे घूरते हैं कि अगले सीन में उस औरत के तो बच्चे हो जाते हैं. हेलो हेलो. हाँ जी मैं कह रहा हूँ. हेलो पुलिस कमिश्नर. मैं कह रहा हूँ मैंने आपको सस्पेंड करा देना है. हिम्मत है तो फोन उठाओ. पहले जाई जा रही है चंदू. तू मैं पिछले 1.5 घंटे तेरी बकवास सुन रहा हूँ. मुझे लगा कोई ढंग की बात करेगा. अच्छा आप यकीन नहीं करेंगे मैं सर पे बर्फ रख के बैठा हुआ था. मगर ठंडे दिमाग से इसकी बात सुनूं शायद पसंद आए. मुझे एक भी बात पसंद नहीं आई. अथू मेरे को पसंद नहीं आया कुछ. मैं कहता हूँ बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं. वाजपेयी साहब मैंने साहब आए हुए हैं. हाथ रहने दो आपका टूटा हुआ है. मुझे राज साहब मैंने आपकी फिल्म देखी थी. आपकी एक वो जो रन फिल्म जिसमें आप दिल्ली में एक गंदे नाले में गिर जाते हैं. उसमें ये गिर जाते हैं. नाला इतना गंदा था इनके सारे कपड़े काले हो जाते हैं. कपड़े नहीं सॉरी कपड़े आपने पहने थे. बॉडी काली हो जाती है. बस आप ये समझ लो कि जितना गंदा वो नाला था उससे ज्यादा गंदा इसका मुंह है. मैंने सही कहा कि नहीं सही कहा बता. एकदम मैं एग्री करती हूँ आपकी बात. तू एग्री ना कर. तूने सुबह चारा खाया तो जुगाली कर. कृपया प्लीज प्लीज चुप रहिए. सो आज की हमारी बहस का मुद्दा है कि फिल्में लोगों की लाइफ से इंस्पायर होकर बनती हैं या लोग फिल्मों से इंस्पायर होते हैं. सो हमारे मेहमान जी आपका क्या कहना है प्लीज. देखिए कभी कभी क्या है लोगों को देख करके हम लोग ऑब्जर्व करके कर लेते हैं. हाँ जी. और कभी कभी जो है हम लोगों के देखने के बाद कुछ उसका असर हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. मेरा ऐसा मानना है कि लोगों से इंस्पायर होके ही फिल्में बनती हैं. जैसे कि आपने देखा होगा जैसे पान सिंह तोमर हो गई. क्या बात है? भाग मिल्खा भाग हो गई. मिर्जिया हो गई. आई एग्री विद माय कॉलीग. यस मेरी लाइफ के ऊपर ही 35-40 फिल्में इंस्पायर होके बन चुकी हैं. आपको पता है जैसे 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 कोई भी ऑपरेशन का सीन होता है तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके कहता कि हाँ मैं मरीज को बचा नहीं सके. वो मेरे से तो इंस्पायर है. अच्छा मैं आप बताता हूँ इसकी कौन सी फिल्म आई थी. एक फिल्म आई थी कब्रिस्तान का आशिक. या उसमें इसको मेन एज ए आशिक ऑफर हुआ था रोल. उसमें जो चुड़ैल बनी थी बहुत गंदी लड़की थी. मेरे को पसंद नहीं आई. उसने इसे किसिंग सीन करने से मना कर दिया. नहीं तो आज मेरा 22 स्टार होता. आपके पास कुर्सी लगा के बैठा था. अरे यार मुंह बड़ा खराब है. क्या बात है रड़े. मेरे को एक बात समझ आया कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहा है कि मेरी तारीफ कर रहा है. मैंने बेइज्जती की है. इसे मैं आपको बता दूं जैसे पृथ्वी लोक पे काफी लोग हैं जो मुझसे भी बहुत इंस्पायर हुए हैं. जैसे जैसे कि भैंस का भैंस होती है सांड होते हैं वो सारे इसी से इंस्पायर्ड हैं. और कौन से जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझसे इंस्पायर होकर एक फिल्म भी आई थी. फिल्म का नाम था क्वीन. देखो बेटा क्वीन तुमसे इंस्पायर होकर बिल्कुल नहीं बनी थी. तुम क्वीन से इंस्पायर होकर अकेले हनीमून पे गई थी. अच्छा कंगना रनावत को 3 लड़के मिल गए इसको एक नहीं मिला. कहने का मतलब हमारे भारत में
1000 लड़कों के पीछे 900 लड़कियां हैं, मतलब 100 आदमी ने कवारा रहना बेहतर समझा इससे शादी, तू आ तू कह दिया। आप अपना बंटवारा करा लो है? आप दो हो जाएंगी फिर हो जाता है लड़का पसंद आ जाएगा। ये मुझे आइडिया ठीक लगा, बहस के बाद मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा एंड टू पीपल विल कम आउट ऑफ इट, ठीक है? अच्छा बात सुनो यार, हाँ जी, अच्छा तू बॉडी तो दो कर देगा, मुंह का क्या करेगा, वो तो एक ही है। मुंह तो तीन निकलेंगे ना इसमें से, दो अडल्ट्स के और एक 14-15 साल का एक टीनेजर। मुद्दे पे चले, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। भटक गए, भटक गए। मुद्दे से मैं भटक जाता हूँ, अक्सर भटक जाता हूँ मैं कहीं पे भी भटक जाता हूँ, ये नहीं भटकती, ये अटक जाती है। बेटे तुम कभी फिल्म देखने जाओ हमेशा साइड वाली सीट लेना, बीच वाले लोग ही फंस जाओगी। तो भाई साहब अरोड़ा साहब प्लीज बस कीजिए, ये हमारा स्टूडियो आपके घर का आंगन नहीं है। मेरे घर का आंगन हो भी नहीं सकता, मैं बताऊँ आपको वाजपेयी साहब, मेरे घर के आंगन में जब बारिश होती ना कुकुर मुत्ता निकलता है, वो इससे ज्यादा हैंडसम होता है। एक फिल्म अभी मैंने देखी फिलहाल MS धोनी जी के ऊपर, मैंने भी देखी, तो एहसान नहीं किया दुनिया पे, बड़े लोगों ने देखी, मैंने भी देखी। मैं बात कर रही हूँ तुम्हें बता रही हूँ, तो उसके अंदर एक सीक्वेंस था, एम आई फोटोजेनिक, तो अपना बकवास कर यार, मैं अपनी जानकारी ले रहा हूँ। हाँ तो उसके अंदर लोग मेरे वीडियो लीक कर देते कई बार, तो उसके अंदर एक सीक्वेंस थी MS धोनी के अंदर के ट्रेन जाती है तो टोनी भाग के पीछे पीछे उसके ऐसे ट्रेन पकड़ लेता है। टोनी नहीं, धोनी, 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 चलो धोनी, इनको क्या पता इन्होंने कभी थोड़ी धोनी है। मैं अपनी खुद नहीं धोता ना, मेरा भाई रखा हुआ मैंने धोने के लिए। धोनी ने ट्रेन को पकड़ा, थोड़ी देर बाद सेम टू सेम मेरे साथ हुआ, यू नो ऐसा ही सीक्वेंस मेरी लाइफ पे इंस्पायर था ये वाला, कि मैंने ट्रेन पकड़ी थी मेरे पैसे गिर गए थे जी, बस वो सीन एडिट कर दिया पिक्चर में से। मौका वारदात पे मैं मौजूद थी, मैं आपको बताना चाहूंगी एग्जैक्टली हुआ क्या था। जी जी, हुआ ये था कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी जो हैं उन्होंने रेलवे स्टेशन में किसी का बटवा मार लिया था। अब लोग जो हैं वो इन्हें मारने के लिए, इन्हें पीटने के लिए इनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद इन्हें लगा कि लोगों का ध्यान भटकाना चाहिए, उन्होंने बटवे से पैसे निकाले सारे के सारे स्टेशन पे यूं फेंक दिए, फिर मौके का फायदा उठा के वो ट्रेन में चढ़े। हुआ ये था डॉक्टर साहब, ऐसा हुआ था क्या? हाँ नहीं मेरे को याद नहीं, पुरानी बात है, धुंधला धुंधला सा याद है, बात मेरे को याद नहीं है। डॉक्टर साहब ये पुरानी बात नहीं है, एक्चुअली मार मार के आपकी आंखें ऐसे सुजा दी थी कि आपको धुंधला धुंधला सा याद है। अच्छा मैं आपको बात बताऊं सिद्धू साहब, ये धोनी फिल्म हम दोनों भाइयों ने साथ में देखी। जी जी, फिल्म में उन्होंने रणजी ट्रॉफी का मैच दिखाया, उसके साथ और भी बड़े मैच दिखाए, वो वाला दिखाया नहीं जिसमें आप 0 पे आउट हो गए थे। मेरी खातिर मैं आपको कह रहा हूँ एक बार आपको बकाल यूनुस को छक्का मार रहा है। वो कैसे मारेंगे, उन्होंने तो क्रिकेट छोड़ दिया है। ये बहुत गलत बात है, उसने आपको आउट क्या किया, आप क्रिकेट छोड़ गए। मैं मानता हूँ आपके सारे छक्के एक तरफ, आपका वो 0 पे आउट होना एक तरफ, लेकिन मेरे को ये बात पसंद नहीं आई, क्रिकेट नहीं छोड़ना चाहिए था आपको। इन्होंने ही नहीं बकार यूनुस ने भी संन्यास ले लिया है। हाँ तो वो तो छोड़ेगा ही, इतने बड़े प्लेयर को 0 पे आउट किया, अब क्या बाकी रह गया। मुझे लगता है तू शरीर ना छोड़ जाए, बाकी सब ठीक ठाक है। बाकी तो आपके पास भी कुछ नहीं रह गया, देखो शराब पी पी कर आपका लिवर खराब हो गया है, पैसा आपके पास कोई नहीं बचा है, वाइफ आपको मुंह नहीं लगाती, एक ही बनियान बची थी वो बकरी खा गई, आप भी संन्यास क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि मेरे को बदला लेना है। कौन सा? जैसे नवाजुद्दीन ने बदला लिया वाजपेयी साहब का फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर में, भाई का बाप का दादा का सबका पड़ोसी का सबका बदला लेना है। मैं तो कहता मेरे भाई को मार दो मैं बदला लूंगा। मेरे को पसंद नहीं है ये, बहुत ज्यादा मनहूस है ये, कसम से मैं इसका मुंह देखता हूँ लाइट चली जाती है। देखिए मनोज जी, क्या जी, विजय जी, जिसकी जैसी फितरत होती है ना वो वैसी चीजें ले लेता है, इनके खून खराबे वाली फितरत है, इन्होंने वो चीजें ले ली। मैं फिल्मों से जैसे आपकी फिल्म है उससे मैंने रोमांस लिया। कैसे कैसे डॉक्टर साहब बताएं? एक बार इन्हें एक लड़की कपड़े धो रही थी ऐसे, डॉक्टर साहब प्लीज लाइव में बाहर कर दो, लाइव में से प्लीज बाहर जा रहा है उल्लू का पटा, दिस इज नॉट द वे, ये भी फिल्म में, दिस इज नॉट, कैसे एंकर है यार तेरा को पता नहीं आता साहब, ये स्टूडियो है प्लीज अंदर जाइए, दिस इज नॉट कपड़े धो रही प्लीज डॉक्टर, नहीं 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 डॉक्टर साहब दिस इज नॉट द वे, उधर से आइए, जब रास्ते बने टीवी में से बाहर आ रहे उधर से आइए बाहर प्लीज, जब लाइव जा रहा है तो तू इधर सीधा भी जा रहा है, लड़की कपड़े धो रही थी, ठीक है अब ठीक है, ठीक है जी जी, मजा आएगा तेरे को, जी सर जी, जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए प्लीज। लड़की ने कपड़े धो रहे थे ऐसे करके ठा ठा ठा, मैं उसके पास गया। अच्छा वेरी गुड, मैं उसके पास जाके बैठ, वेरी गुड,
उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा. क्या बात है, वाह. फिर लड़की इंप्रेस. वाह वाह. उसने कपड़े उठाए साइड पे रखे. क्या बात है. फिर उसने थापे उठाए मेरे मारे. मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है. लेकिन वो क्या था कि वो कपड़े तो ऐसे धोते हैं ना, वो ठापे क्यों रखे थे लड़की? मेरे लिए रखा था उसने, मेरे को समझ नहीं आया क्यों रखा था. मेरे को नहीं पता था वो मेरे साथ क्रिकेट खेलेगा. मैं और एक आदमी देखा मैंने जिसके मुंह पे अपना पजामा निचोड़ गया. ऑब्वियसली. तो क्या हुआ कि ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ जी. हमेशा सलमान खान उनके पिक्चर में था, तो मैं जैसे वो ट्रेन से आगे निकलता, मैं भी ट्रेन से आगे निकल गया. ये रोज निकलता ट्रेन के आगे से. अच्छा? बहुत ज्यादा स्टंट करता है ये. कैसे? ये एक्चुअली सुबह लोटा लेके जाता बाहर. तो मेरे को लगा था कि ये दूध लेने जाता है. फिर मैंने देखा दूध लेने जाता है तो लोटे में पानी क्यों लेके जाता है. मैंने देखा ये पटरी बैठता है, अगर इस ट्रेन पे आ गई तो ये उछल के इधर आ जाता है, इधर आ गई तो उछल के इधर. एक बार दोनों पटरियों पे ट्रेन एक टाइम पे आ गई. My bad. बड़ी मुश्किल से जान तो बचा ली पर पजामा नहीं बचा पाया. पजामे का एक पैर चला गया कन्याकुमारी, एक चला गया श्रीनगर. जम्मू तो भी थी ना, तो उधर चला गया. प्लीज प्लीज चिट्ठी मार रहा तेरे घर में माँ बहन नहीं, तेरे चिट्ठी मार रहा था. जी एक्चुअली मेरे को भी एक बार यशराज से ऑफर आई थी. अच्छा. तो जी हाँ, उसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई अब यशराज में जाकर चाय बनाऊं, उससे चाहे यहाँ पे ही चाय बना रहा हूँ, क्या फर्क इधर ही रहते हैं. तूने ऐसी गंदी बात की ना, मुझे अच्छा नहीं लगा. क्यों? जा किसी तीखी चीज पे अपना मुंह मार ले जाके, तीखा सा मुक्का ढूंढ उसे मुंह ठोक दे अपना. मुंह पे मुक्का मारा जाता है. मेरे को पता नहीं, जब तू ऐसे मुंह खोल दे मेरे को लगता है गोबर करेगी. दिस टाइम आई एग्री. मुंह पे मुक्का मारा जाता है, ये फैक्ट है, क्योंकि मैंने मार बहुत खाई है इस मोहल्ले में. मेरे को पता है मुक्का मुंह पे मारा जाता है. नहीं 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 डॉक्टर साहब, ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आजकल लोग सबूत के लिए वीडियो मांग रहे हैं जी. सो आपको करके बताना पड़ेगा. बहुत ज्यादा मुक्का तेज मारा है इन्होंने. मैंने ना तेरी गर्दन दबा देनी है. अगर गर्दन मिल रही है तो दबा दो. मेरी गर्दन के बारे में ये बात करते रहते, मैं सहन कर लेती हूँ. आपको क्या हक है? चाय वाले देखो बेटे, गर्दन के बारे में बात कर रहे. नहीं है गर्दन, नहीं है, नहीं थी ऊपर वाले, मैं क्या करूँ? बेटे गुस्सा नहीं करना, बाहर जाके ईंट मारो इसके मुंह पे, जाओ. मैं ये यार मेरी बात सुनो. हेलो मेरी, ओए हेलो हेलो, ओए हेलो हेलो, बहुत ज्यादा एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर के मैनन मनोज वाजपेयी एंड विजय राज. सर मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेनी है. जी जी. सर सात उचक्के के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. आप ऐसे ही दुनिया को एंटरटेन करते रहें. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. आइए मिलजुल के अपने भारत को स्वच्छ बनाएं और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो. उजी का चश्मा पहन के गोरी कर गई रहा दिल की चोरी. उजी का चश्मा.